का डे 36 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 12 टाइम। आज हमारे पास इसका पेज नंबर 158 है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कह दिया है, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड कलर द सर्कल विद द करेक्ट आंसर। उन्होंने हमारे पास क्लॉक्स गिवन है, उन्होंने कहा आप लोगों ने करेक्ट टाइम देखना है और उस पर सर्कल करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वॉच में देखें, जहाँ पे हमारे पास बड़ी पिन है वहीं पे छोटी भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरे 12 बज रहे हैं। हम लोगों ने देखना है कि जहाँ पे 12 लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने मार्क भी करना है और कलर भी कर देना है। इसी तरह सेकंड वन पे देखें, हमारे पास 3 है और हमारे पास हाफ आवर गुजर चुका है, यानी कि 3:30। हम लोगों ने देखना है जहाँ पे 3:30 लिखा हुआ है उसको मार्क भी करना है और उसको कलर भी करना है। थर्ड वन पे देखें, हमारे पास 8:45 हो रहे हैं, हमारे पास क्वार्टर टू गुजर चुका है। क्वार्टर टू मैंने बताया था जो कि 8:45 होता है, इसलिए हम लोगों ने देखना है जहाँ पे 8:45 लिखा होगा उसको आप लोगों ने मार्क भी करना है और कलर भी करना है। इसी तरह फोर्थ वन पे देखें, हमारे पास छोटी पिन 7 पे है और घड़ी 12 पे है। इस तरह हम लोगों ने पूरे यहाँ पे 7 बज रहे हैं, जहाँ पे 7 लिखा होगा उसे मार्क भी करना है और कलर भी करना है। इसी तरह लास्ट वन देखें, यहाँ पे हमारे पास 10 में हाफ आवर गुजर चुका है, हाफ पास हो चुका है, इसलिए 10 को हम लोगों ने देख 10:30 हो रही है, हम लोगों ने देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने मार्क भी करना है और कलर भी करना है। इसी तरह लाइफ हमारे पास आगे उन्होंने फिलिंदी ब्लैंक्स दे दी हैं। फिलिंदी ब्लैंक्स में हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, देयर आर डैश आवर्स इन अ डे, कि हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 आवर्स। इसी तरह हमारे पास सेकंड ब्लैंक है, एट 3:05 द मिनट हैंड इज, उन्होंने कहा है हमारे पास 3:05 गुजर चुके हैं, जो के होगा 3:05 गुजर चुके हैं। थर्ड वन पे है, व्हेन एवर द टाइम हैंड इज एट 6 इट इज ऑलवेज डैश पास्ट ऑफ द आवर, उन्होंने कहा है हमारे पास व्हेन एवर द 6, हमारे पास 6 तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास हाफ आवर पास्ट हो चुका है। उन्होंने कहा अगर हमारे पास 6 पे पिन होगी तो हम लोगों ने बताना है हमारे कितना टाइम गुजर चुका होगा। मैंने कल बताया था 6 पे हमारे पास हाफ पास्ट होता है, इसलिए थर्ड पे आएगा हाफ पास्ट। आगे फोर्थ पे है, बोथ हैंड आर ऑन 10 व्हेन इट इज डैश, उन्होंने कहा है अगर हमारी पिन अपनी लोकेशन पे हो, यानी कि बिल्कुल दोनों पिन एक ही जगह पे हो, छोटी भी और बड़ी भी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पूरे 12 बज रहे हैं। लास्ट है, डैश हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द डेज इन द सोलर कैलेंडर, उन्होंने कहा है सोलर कैलेंडर में कौन सा ऐसा मंथ होता है जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, वो हमारे पास फरवरी है।